एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ कैसे हमने सेलिब्रेट किया दिवाली। एंड मोस्टली एवरी ईयर हम अपने इन-लॉज या इंदौर चले जाते हैं, वहाँ हम सेलिब्रेट करते हैं दिवाली। एंड अगर आपने बहुत पहले से मुझे ज्वाइन किया है तो आप जानते होंगे और कुछ वीडियोज भी देखे होंगे। तो इस बार हम इन-लॉज के यहाँ नहीं गए और घर पर ही यहाँ हैदराबाद में ही हमने दिवाली सेलिब्रेट की। तो हम कैसे तीनों ने मिल के बस आपस में ही कैसे दिवाली सेलिब्रेट की, वो है आज की वीडियो में। चलो, और मैंने सारी तैयारी अच्छे से कर ली है पूजा की और भगवान को मैंने इधर पे यहाँ पे सजा दिया है यहाँ पे। और फ्यूचर में आगे की वीडियो में मैं अपना छोटा सा टूर भी करा दूंगी, अपने घर का टूर कि किस तरह से मैंने थोड़ा बहुत डेकोरेशन की है। और अभी हम करने वाले हैं पूजा।
हाउस टूर और ये मेन गेट से एंटर होते ही हॉल है और ये ड्राइंग एरिया है. और ड्राइंग एरिया से ही ये मैंने वॉल डेकोरेट की है फोटो फ्रेम्स की. और वो देख सकते हैं मैंने जो DIY बनाया था वॉल हैंगिंग वो लटका हुआ है ऊपर. और सामने ही सामने बालकनी है और यहाँ पे भी इतनी एरिया खाली है विच इज़ काफ़ी स्पेशियस जगह है. एंड ये भी एक बालकनी है छोटी सी. नाउ इस साइड मेरा फ्रिज एंड डाइनिंग एरिया है और उधर बेडरूम दिख रहा है. इधर सामने किचन है, बगल में उसके मंदिर है और उधरी से जो डोर गया है वो बाहर की दूसरी वॉश एरिया है बालकनी. अब इस तरफ आते हैं, इस तरफ इतनी छोटी सी लॉबी टाइप है और उसके दोनों साइड दो छोटे छोटे रूम्स हैं. तो एक रूम में मेरे हस्बैंड ने उन्हें अपना ऑफिस बना लिया है क्योंकि अभी वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है. और दूसरे साइड तो इनका जो रूम है वो कुछ इस तरह से है. एंड मोस्ट ऑफ द फर्निशिंग हमारी है वो IKEA प्रोडक्ट्स हैं. काफ़ी IKEA के प्रोडक्ट्स हमने लिए हुए हैं. और इस तरफ मेरा रूम है और यहाँ ये मेरा स्टूडियो है जहाँ मैंने वीडियो शूट करती हूँ. अभी ये काफ़ी मैसी है क्योंकि मैंने जल्दी से मेकअप शेकअप करके सामान ऐसे ही छोड़ दिया है तो थोड़ा सा मैसी है. डायलॉग भी पूरा नहीं हुआ, डायलॉग भी पूरा नहीं हुआ. नो नो 1 2 3 उधर ही डलिया के बगल में भगवान को चढ़ाइए. Thank you.